हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम किसे ज्यादा याद करते हैं, भगवान को या शैतान को? एक कहावत बहुत प्रचलित है, शैतान को याद करो और शैतान हाजिर। अब बताइए, ये सोचने वाली बात है ना कि भगवान को याद करो और भगवान हाजिर, ये कहावत क्यों नहीं बनी? तो क्या शैतान भगवान से ज्यादा शक्तिशाली और दयालु है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस सूत्र में महत्व शैतान की शक्ति का नहीं, बल्कि हमारी शिद्दत का है। जिस शिद्दत से हम शैतान को याद करते हैं, क्या उतनी ही शिद्दत से हम भगवान को भी याद करते हैं? यदि करें तो मुझे विश्वास है कि भगवान भी तत्काल उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो हाजिर है ही, वो तो सदैव हमारे आसपास है। होता यह है कि हम भगवान को याद ही तब करते हैं जब हमें भगवान से भगवान नहीं उनकी शक्ति चाहिए होती है। उनको याद करके हम उनसे शैतानों वाले काम करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि या तो वो हमें अपनी शक्ति दे दे जिसे हम सामने वाले का सर्वनाश कर सकें, या वो हमें बचाते हुए खुद ही सामने वाले को मिटा दे। हम उनकी शक्ति सृजन के लिए नहीं, संहार के लिए मांगते हैं, जिसके लिए भगवान राजी नहीं होते, क्योंकि भगवान मिटाने में नहीं बनाने में विश्वास रखते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वो भगवान है, संतुलन में विश्वास रखते हैं। वो युक्ति से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि कहावत तो हमने बनाई कि शैतान को याद किया और शैतान हाजिर, क्या इसे हमें अब बदलना नहीं चाहिए? भगवान को याद कीजिए और भगवान हाजिर। सोचिए।